तो आज मैं बात करूंगा फैंटास्टिक फोर के रूमर्स के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें सू के रोल में कौन दिखाई देगी फैंटास्टिक फोर मूवी में। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं अलग अलग एक्ट्रेस का नेम कि ये हमें दिखाई देगी, वो हमें दिखाई देगी। बट रिसेंटली रूमर ये निकल के आया है कि ईसा गोंजालेस हमें दिखाई देगी सू के रोल में फैंटास्टिक फोर मूवी में। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो मतलब अच्छी लगती है, आई मीन दिखने में, और सू के रोल में वो अच्छी लगेगी मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे तरफ से मैं श्योर हूँ कि वो अगर हमें दिखाई देती है तो इट्स बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करूँ नेक्स्ट रूमर की, तो नेक्स्ट रूमर ये है कि फैंटास्टिक फोर की टीम हमें दिखाई देगी स्पेस में। तो हो सकता है कि वो हमें दिखाई दे निक फ्यूरी के साथ, यानी कि सोर स्टेशन में, या फिर हो सकता है कि उनका कोई मिशन हो स्पेस में, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो ये भी रूमर है। बात करूँ थर्ड रूमर की, तो थर्ड रूमर ये है कि हमें सिल्वर सफ़र दिखाई देगा फैंटास्टिक फोर की सोलो मूवी में। तो सिल्वर सफ़र का बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है, वो हमें दिखाई देता है या नहीं देता है फैंटास्टिक फोर मूवी में। बट इसी के साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि सिल्वर सफ़र पर हमें एक स्पेशल प्रेजेंटेशन देखने मिलेगा जो कि फैंटास्टिक फोर मूवी से पहले रिलीज़ होगा। तो यस, हमें सिल्वर सफ़र जल्द दिखने वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेन टॉपिक। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेन टॉपिक क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने बात की सिल्वर सफ़र की। बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा गैलेक्टस, और बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि गैलेक्टस हमें दिखाई दे एमसीयू में जल्द से जल्द एज अ बिग विलन के तौर पे। तो देखो, रिसेंटली रूमर ये निकल के आया है कि गैलेक्टस की हिंट हमें दी जाएगी फैंटास्टिक फोर मूवी में, यानी कि वहाँ पे ऐसी हिंट होगी कि हाँ एमसीयू में गैलेक्टस नाम का कुछ है जो कि आने वाले सालों में दिखाई देगा एज अ बिग विलन। तो ऐसी हिंट हमें दी जाएगी, लेट्स सी किस तरह की हिंट होती है। फिलहाल ये सब रूमर है, देखते हैं ये सच होता है नहीं होता है, कॉज ये अर्लियर रूमर है तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ये रूमर अच्छा लगा होगा। आप लोगों के मन में कुछ भी हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। वैसे हाँ, जो सिल्वर सर्वर पे प्रेजेंटेशन आएगा, स्पेशल प्रेजेंटेशन, उसमें हमें गैरेक्टर्स नहीं दिखाई देगा जितना मुझे पता है। वहाँ पे सिर्फ सिल्वर सफ़र के बारे में बताया जाएगा, वो कहाँ से वगैरह वगैरह, कैसे क्या हो गया। हाँ, शायद एंड में थोड़ी सी हिंट हमें दी जा सकती है कि वो गैलेक्टस के लिए काम कर रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसे। तो लेट्स सी, देखते क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा या बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो।